हेलो फूडीज, फूडी दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं साबूदाना खिचड़ी एक नए तरीके से। यूजुअली साबूदाना खिचड़ी सोच के व्रत का बोरिंग खाना याद आ जाता है, तो फ्रेंड्स नहीं, ये एक स्पेशल तरीके की साबूदाना की रेसिपी है जो आपको डेली खाने का मन करेगा, इतनी टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, साबूदाना एक कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही रिच सोर्स है। इसे खाने से इंस्टेंट एनर्जी आती है, बट हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए इसे। मोर ओवर, अगर आपको बोन स्ट्रॉन्ग करनी है उसके लिए भी साबूदाना बहुत अच्छा होता है। बच्चों के ग्रोथ ईयर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी डाइट है, बिकॉज उस एज में उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स दोनों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक कप साबूदाना लेंगे और उसे भिगो देंगे। फ्रेंड्स, ये साबूदाना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ये सेम लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो मेजर करने के लिए अपैरेटस मैं यूज़ कर रही हूँ, ये जो कप है इसका पूरा सेट आता है। अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ हमने पानी से अच्छे से भिगो दिया है साबूदाना को। हमें इसे 2 घंटे तक भिगो कर रखना है। 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है, चलिए आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ये हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 3 चम्मच के करीब तेल डालेंगे और फिर हम उस तेल को गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर राई के दाने डालेंगे। मैंने छोटी वाली राई यूज़ करी है, सरसों नहीं है, ये राई यूज़ करिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छे से हमारे ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसे हल्का सा हमें चलाना है, राई को और हरी मिर्च को दोनों को। राई हमारी धीरे धीरे पुटकने की आवाज़ आ जाएगी, देन हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चॉप्ड प्याज, हमने इसे फाइनली चॉप किया है। और अब हम इस प्याज को भूनेंगे जब तक कि उसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज हमारी सफिशिएंट भुन गई है, हल्का लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड कैप्सिकम। मैंने यहाँ 1/2 कैप्सिकम यूज़ किया है और इसे छोटा छोटा चॉप किया है। अब हम कैप्सिकम को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना है, हल्का कच्चा ही रखना है, बट हाँ थोड़ी सॉफ्टनेस भी आ जानी चाहिए। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। कैप्सिकम भी सफिशिएंट फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर, इसको भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हमें टमाटर को भी बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब नमक, जिससे कि टमाटर हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। नमक को हम सभी चीज़ों में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, साबूदाना की एक बहुत ही आसान और बिना गैस जलाए बनाने वाली रेसिपी की लिंक इस वीडियो के एंड में है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 स्लाइस्ड आलू। फ्रेंड्स, आलू डालने की वजह से ये काफ़ी फिलिंग डिश हो जाती है, इसको खाने के बाद आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। अब हम आलू को भी मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टमाटर पूरी अच्छी तरीके से ऑलरेडी भुन चुके हैं, तो हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोक्ड साबूदाना, हमने इसका पानी निकाल दिया है। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर एक इससे इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपको देखनी है तो मेरी एक बहुत ही इजी पोहे की रेसिपी है, उसकी लिंक भी इस वीडियो के एंड में आएगी, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हमें साबूदानों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी सब्जियों के साथ मिक्स करना है, प्रॉपरली मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना काफ़ी हद तक मिक्स हो गया है, कितना कलरफुल सा लग रहा है ये। फ्रेंड्स, अगर आपको इसे व्रत में खाना हो तो आप इसमें प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च हटा सकते हैं और आराम से इसको व्रत में बनाकर खा सकते हैं। चलिए अब इसे मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम इन दोनों मसालों को अच्छी तरीके से साबूदाना में मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने में अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए हमें चलाना होगा। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो 1/4 ग्लास के करीब पानी डाल सकते हैं, या 1/2 कटोरी मैं यहाँ डाल रही हूँ उतना पानी डाल सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे।
और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से चला देंगे, नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब मैं आधा कटोरी पानी और डाल रही हूँ इसमें, पूरा मैंने 1 कटोरी पानी के करीब डाला है। अब हम इसको ढककर रख देंगे अराउंड 3 से 4 मिनट के लिए। और जब 3 से 4 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको चलाकर देखेंगे कि हमारे आलू अच्छे से गले हैं कि नहीं। ये देखिए मैं ऊपर उठा के देख रही हूँ, ये आलू मेरे अच्छे से नहीं गले हैं क्योंकि वो अच्छे से नहीं कटे। तो अब इसे हमें फिर से ढक के थोड़ी देर के लिए और रखना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से हम चेक करते हैं, 3 से 4 मिनट और हो चुके हैं। अब हमें फिर से देखना होगा कि हमारे आलू गले हैं कि नहीं। अब फिर से आलू को तोड़कर हम चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आराम से कट गया है, इसका मतलब कि आलू हमारे गल चुके हैं और हमारी डिश भी नियरली नियरली रेडी ही होने ही वाली है। फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। हमने लगभग आधा नींबू का जूस इसमें डाल रहे हैं। लेमन जूस से फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है इसमें। अब हम लेमन जूस को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे स्पैचुला की मदद से। अब हम इसमें थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर स्प्रिंकल कर देंगे और यह हमारी डिश की फाइनल टचिंग हो गई है। अब हम इस धनिया को भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इस डिश को सर्व करने की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, देखने में इसका इतना प्यारा कलर आया है, इतनी कलरफुल और टेस्टी डिश लग रही है। आप इसे ठंडी ठंडी दही के साथ सर्व कर सकते हैं। दही में अपना पुदीना मसाला जो डालना है डालिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स अगर आपको पोहे की रेसिपी देखनी है तो आप राइट वाली लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और एक साबूदाना की बहुत ही ईजी रेसिपी देखनी है तो आप लेफ्ट वाली लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।